अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन कम अपनी वॉइस कॉलिंग सर्विस 1 दिसंबर से बंद करने जा रही है। ऐसे में रिलायंस कम्युनिकेशन के कस्टमर्स के पास दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट होने के बजाय कोई रास्ता नहीं बचा है। रिलायंस कम्युनिकेशन अब ग्राहकों को सिर्फ 4G डाटा सर्विस प्रोवाइड करेगी। हम सवाल जवाब में बता रहे हैं हर वो बात जो आपके काम आ सकती है। कंपनी क्यों बंद कर रही है वॉइस कॉलिंग? कम पर करीब 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एएसएल के साथ वायरलेस बिजनेस के मर्जर में भी कंपनी फेल हो गई, इसलिए सर्विस बंद करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। अब कंपनी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगी? कमेट सकल आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, ईस्ट वेस्ट, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में 2G और 4G सर्विस प्रोवाइड करते रहेगी। रिलायंस कम्युनिकेशन के ग्राहकों को अब क्या करना होगा? आप अपने नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं। कंपनी की तरफ से सभी ग्राहकों को पोर्टिंग रिक्वेस्ट कोड नंबर मैसेज के जरिए भेजे जा रहे हैं। इसके जरिए संबंधित ग्राहक 31 दिसंबर तक अपना नंबर पोर्ट करवा सकते हैं। नंबर पोर्ट करवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है? मोबाइल फोन से पोर्ट और 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखकर उसे यूनिक नंबर 1900 पर मैसेज कर दें। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। एसएमएस भेजते ही 8 अंकों का यूनिक पोर्टिंग कोड प्राप्त हो जाएगा। इस कोड को एक निर्धारित फॉर्मेट कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंपनी के आउटलेट पर एक फोटो और एड्रेस प्रूफ सहित जमा करना होगा। जिस भी कंपनी का नंबर आप चाहते हैं उसी के आउटलेट पर यह आवेदन जमा करना होगा। नंबर पोर्टेबिलिटी में कितना समय लगेगा? नंबर पोर्ट करवाने में 7 दिनों का समय लगना मामूली बात है, इसलिए समय रहते यह प्रोसेस शुरू कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।